नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूँ राजेश सिंह। देश भर में मकर संक्रांति की धूमधाम है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि सभी की निगाहें बिहार के मकर संक्रांति सियासी पे टिकी हुई है। आज राबड़ी आवास पे मकर संक्रांति को लेके सभी को दही चूड़ा का निमंत्रण मिला है। ऐसे में कौन नेता जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जदयू आरजेडी सभी को महागठबंधन के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। राबड़ी आवास पे पूरी तैयारियां हो चुकी है और सभी की निगाहें राबड़ी आवास पे टिकी हुई है। दही चूड़ा का निमंत्रण है, ऐसे में कौन नेता जाते हैं। सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार बिहार के मुखिया का वहां पे जाना जरूरी है। अगर वो जाते हैं तो सही है, इसी बहाने एक साथ मिलेंगे। ये तो एक दही चूड़ा एक बहाना है, लेकिन इस बहाने के अंतराल में देखने को मिलेगा सीट शेयरिंग की भी बात होगी। सारे नेता एक साथ जुट होंगे। बता दें कि राबड़ी आवास पे पूरी तैयारियां हो चुकी है, सभी की निगाहें राबड़ी आवास पे टिकी हुई है। लालू प्रसाद यादव सभी को न्योता दिए हैं, सभी को निमंत्रण दिए हैं कि वो आए, और जदयू के तमाम कार्यकर्ता सभी मौजूद होंगे। और देखने वाली बात होगी कि आखिर दही चूड़ा के बहाने क्या कुछ होता है। विपक्ष पार्टियां कह रही थी कि खरमास के बाद कुछ न कुछ जरूर होगा, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलटी जरूर मारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज खरमास भी खत्म हो गया है और आज सब एक साथ मिलेंगे तो देखने वाली बात होगी। हम आपको पल पल की खबर दिखाएंगे और बता दें कि आज जदयू आरजेडी सभी महागठबंधन के तमाम नेता वहां मौजूद होंगे। बता दें कि तमाम नेता मौजूद हैं। सियासी गलियारा में सियासी काफी तेज हो गई है, ये देखने वाली बात होगी। आखिर कौन से नेता कब पहुंचते हैं, क्या नीतीश कुमार दही चूड़ा में सम्मिलित होते हैं, लालू प्रसाद के आवास पे दही चूड़ा में क्या वो सम्मिलित होंगे। अगर वो आएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार वहां जाते हैं या नहीं। हम आपको पल पल की खबर ऐसे ही दिखाते रहेंगे, तो देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।